काश मैं एक छोटा सा ब्लैक शिनचैन हूँ। असल में आज मैं बहुत ज्यादा शहद हूँ क्योंकि मेरे बले भाई जो कि शिनचैन और पिनचैन है ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं काला हूँ। आज मेरे भाई शिनचैन का बर्थडे है इसलिए यहाँ पर देखिए कितने साले केक है। ही मेरे भाई शिनचैन का बर्थडे ही क्या मुझे रहे ही। हाँ बिल्कुल, मैंने तो शिनचैन के लिए बढ़िया कार भी है। लेकिन मेरा बर्थडे कोई नहीं मनाता क्योंकि मैं काला शिनचैन हूँ। मैं शिनचैन से 2 साल छोटा हूँ, शिनचैन 5 साल का है और मैं सिर्फ 3 साल का। देखिए यहाँ पर शिनचैन पिनचैन के पास कितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि मैं काला शिनचैन तो थेला हल्क भी शिनचैन पिनचैन का दोस्त है। ये लोग मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते? गाइस गाइस अगर आप चाहते हो कि ये लोग मुझे अपना दोस्त बना लें तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो और मेरे लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। क्या पता ये मेरा बर्थडे भी मनाए। भैया भैया अले बापले गिल गया, अले बापले भैया, शिनचैन भैया, फ्रैंकलिन भैया। अरे बापरे ये क्या शिनचैन का भूत, ओ माय गॉड ये क्या है। अरे काला शिनचैन भागो यहाँ से, मुझे मत मारना शिनचैन, शिनचैन तेरा भूत क्या क्या कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे डालो मत, मैं ब्लैक शिनचैन हूँ। क्या आपको पता है मेरा बर्थडे कब आता है? क्या तेरा बर्थडे? अरे क्या बोल रहा है, आज ही तो तेरा बर्थडे। नहीं वो तो मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, मैं छोटा भाई हूँ, मैं ब्लैक शिनचैन हूँ। मेरी उम्र 3 साल हो जाएगी जब मेरा बर्थडे आएगा। ये हमारे असल में बहुत ही बेकार से भाई है, आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि हम इसको भाई नहीं मानते। बिल्कुल सही कहा है, ये हमारे मम्मी पापा का बेटा नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से हमारे मम्मी पापा इसको कूड़ी से उठा लाते हैं, ये हमारा भाई नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है गाइस, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। तुम शूट क्यों बोल रहे हो यार, प्लीज मेरे को बता दो मेरा बर्थडे कब आता है। चल निकल यहाँ से, तेरी वजह से मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए। नहीं मम्मी पापा मेरी वजह से नहीं गए, ऊपर वाले ने उनको बुला लिया तुझमें मेरी हल्दी। तेरी वजह से गई ही, अगर तू नहीं आया होता हमारे घर में तो मम्मी पापा हमारे पास होते। ऐसा नहीं है गाइस, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर लो मेरे साथ, मुझे मत भगाओ। हम नहीं जानते तेरा बर्थडे कब आता है क्योंकि तू हमारा भाई नहीं है। चल निकल यहाँ से, तू शूट बोल रहा है, तू चोर है, चोर। बिल्कुल गाइस भगाओ इसको यार, ये कितना काला है। बिल्कुल यार निकाल दो इसको, ये तुम्हारा भाई भी नहीं लगता। नहीं गाइस मैं इनका भाई हूँ। गाइस कोई प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। गाइस कोई मत करना इसके लिए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। हाँ ये छूटा एक नंबर का, ये हमारा भाई नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, अगर मम्मी पापा होते तो मुझे भी आज प्यार मिल रहा होता। मैं मल क्यों नहीं गया, मैं शिंदा क्यों हूँ, मेरा कोई बर्थडे नहीं मनाता। मैं अगर आज 3 साल का होता तो सब मेरे साथ बर्थडे मनाते, लेकिन मुझे मेरा बर्थडे नहीं पता कि कब आता है। यहाँ पर सब छिनचैन और पिनचैन को प्यार करते हैं लेकिन ब्लैक छिनचैन से सब नफरत करते हैं। गाइस आप तो मुझसे नफरत नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, मेरे भाइयों ने हमेशा से मुझे पीटा है। अरे भैया आप मेरी गाली को जला ले हो, प्लीज़ मत जला उसको। अरे जला जला, हाँ ये ब्लैक छिनचैन बहुत बुरा है। ये ब्लैक छिनचैन हमारा भाई नहीं है, हम इसकी आरसी कार्ड जला देंगे। प्लीज़ ऐसा मत कर लो भैया, मैं मम्मी पापा से शिकायत कर दूंगा, मम्मी पापा तुझे पीटेंगे। हाँ तू बेकार सा बच्चा, एकदम काला सा छिनचैन पिनचैन, तू दूर ले हमसे। हाँ समझा कहीं का, हाँ हम तुझे पीटेंगे। मेरे दोनों भाई बहुत बुले हैं, काश वो मुझसे प्यार करते। वो तो मुझे बचपन में ऊपर से ज़बरदस्ती कुदा करते थे, ए इसको गिरा दो नीचे, गिरा दो इस बच्चे को। अरे बाप ले भैया आपने मेरे को क्यों गिलाया। मैं मम्मी से शिकायत करता लेकिन मेरी तो मम्मी नहीं है गाइस, मेरे पापा भी नहीं है, वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए। मेरा बर्थडे कौन मनाएगा? मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा, मम्मी पापा क्या यहाँ पे? बिल्कुल मेरी बच्ची ये हमें, मेरे बच्चे हमें माफ़ कर दे, हम तुझे छोटी सी उम्र में छोड़ के चले गए, हम क्या करते, हादसा ही कुछ ऐसा हुआ था। मम्मी पापा कोई मेरा बर्थडे नहीं मनाता, मुझे अपने साथ ले लो। नहीं मेरी बच्ची तुझे तो अभी बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, तुझे खेलना है, तेरा बर्थडे मनाना है। बिल्कुल मेरे बच्चे तेरा बर्थडे आज रात को ही है। क्या क्या सच में मम्मी पापा? बिल्कुल रात के 12 बजे के बाद तेरा बर्थडे, जा मना ले अपना बर्थडे। अरे वाह मैं तो खुश हो गया, मम्मी पापा आप मेरे बर्थडे पे आएंगे ना? बिल्कुल हम आएंगे, बिल्कुल अपने सिंचन पिंचन भाई को अपना दोस्त बना, अवेंजर्स का दोस्त बना। अरे वाह गाइस आपने देखा मेरे मम्मी पापा मेरे छपने में आए थे। गाइस अगर आपने भी मेरे मम्मी पापा को देखा तो कमेंट में यश लिखो, अब तो जरूर मेरा भाई छिनचैन और पिनचैन यहाँ पर मेरी बात पर यकीन करेंगे। अरे वाह गाइस ये कौन सी साइकिल है? ये तो ब्लैक साइकिल है। एक काम करता हूँ, आज रात के 12 बजे के बाद मेरा बर्थडे तो मैं खुद के लिए भलिया सा केक लाऊंगा और अवेंजर्स को, छिनचैन पिनचैन को और साथ साथ में फ्रैंकलिन को अपना दोस्त बना लूंगा। फिर गाइस उसके बाद ब्लैक छिनचैन जैसा प्यार करेंगे। गाइस
अच्छा प्लीज मेरे लिए जल्दी लाइक कर दो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे ना मेरे को सपोर्ट मिलेगा। जल्दी जल्दी मैं आगे जाता हूँ और जाकर एक भलिया सा केक खरीदता हूँ। लेकिन एक मिनट यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बापले, एक मिनट, यहाँ तो केक की दुकान हुआ करती थी। बच्चे, काले बच्चे, मेरे पास मत आ, तू तो एकदम भूत लगता है। अरे ऐसे मत कीजिए, मैं भूत नहीं हूँ, मैं ब्लैक सिंचन हूँ। मेरे मम्मी पापा ने प्यार में मेरा नाम ब्लैक सिंचन लगा था। अरे तू क्यों आया इधर? मेरे को केक चाहिए, आज रात को मेरा बर्थडे है। क्या? अरे तेरा कोई बर्थडे नहीं है, तू तो अपने माँ बाप को खा गया। ये क्या कह रहे यार, चल निकल यहाँ से, तेरा कोई बर्थडे नहीं मनेगा, तुझे कोई केक नहीं मिलेगा, हट यहाँ से। मैं केक नहीं बेचता हूँ वैसे भी, अब हट यहाँ से। अरे बाप ले, आप कितने बुले हैं अंकल जी, आपने मुझे साथ गलत किया, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, इन अंकल को बताऊँ ना कि मैं सच बोल रहा हूँ कॉमेंट में यश लिख के। गाइस उन अंकल ने मुझे बहुत पीटा, अब मैं केक कहाँ से लूँ। एक मिनट गाइस, यहाँ पर एक केक की दुकान है, आ जाओ केक ले लो, जिसका भी बर्थडे है अपने दोस्तों को केक खिलाओ, खुश हो जाओ। अरे वाह गाइस, यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया केक है। और ये कैसा केक है बेटा? ये बहुत महंगा केक है, पूरे 10 मंजिला केक। क्या 10 स्टोरी केक? अरे गाइस मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उतने महंगे महंगे गिफ्ट और केक खरीद पाऊँ, क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अंकल जी आज रात को मेरा बर्थडे, मैं पहली बार अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा, क्या मुझे एक केक मिल सकता है? ठीक है बेटा, मैं भी गरीब ही हूँ, लेकिन ले जा बर्थडे के लिए केक। बाय द वे हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। अरे वाह गाइस, अंकल कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे कलर को देख के मुझे बुला नहीं बोला। मैं बेशक काला हूँ लेकिन दिल का तो अच्छा हूँ ना दोस्तों। चलो गाइस अब जल्दी चलते हैं फ्रैंकलिन भैया के पास और एवेंजल्स के पास, साथ में छिंचन पिंचन के पास। उनको हम सरप्राइज देंगे, उनको बताएंगे कि छिंचन के एक दिन बाद ही मेरा बर्थडे आता है, आज रात के 12 बजते ही मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा। हाँ फिर तो मैं भलिया वाला बर्थडे मनाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा बनने वाला है। एक मिनट, यहाँ पर तो बहुत सारी सजावट थी, वो कहाँ पर गायब हो गई? लगता है शायद किसी ने सामने से हटा दी होगी। कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं वापस से सजा दूंगा। हेलो एवेंजर्स, फ्रैंकलिन भैया, छिंचन भैया और ऑल पिंचन भैया, चौप कहाँ हो तुम लोग? गाइस गाइस ये लोग कहाँ चले गए? ये तो यहीं होने चाहिए थे यार, मैं तो कितना खुश था। वो लोग कहाँ चले गए? कहीं वो छिंचन की पार्टी मनाने के लिए बाहर तो नहीं चले गए घूमने? ओह नो गाइस, अब तो घर कितना सूना हो गया है, शायद वो पल होंगे, वो थक गए होंगे पार्टी करते करते। छिंचन पिंचन तुम कहाँ हो? आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें पता है, मतलब आज नहीं है, आज रात को होने वाला है मेरा बर्थडे, हम साथ में मनाएंगे, आ जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ। अरे बाप ले गाइस, वो तो इधर भी नहीं है, मेरा बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं आया। मम्मी पापा ने तो बोला था सबको दोस्त बनाऊंगा और सब मेरे बर्थडे में आएंगे, लेकिन कोई मेरे बर्थडे के लिए नहीं है गाइस। अब मैं बर्थडे कैसे मनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस कोई बात नहीं है, मैं अकेला बर्थडे मना लूंगा, मैं इस घर को अकेला सजाऊंगा, फिर जब रात को छिंचन पिंचन और एवेंजर्स और फ्रैंकलिन भाई आएंगे तो उनको भी अपने बर्थडे पार्टी में मिला लूंगा। गाइस बाकी मैं यहाँ पर ना बहुत सारे पटाखे और बढ़िया बढ़िया फुलझड़ी लगा देता हूँ और लाइट्स भी लगा देता हूँ। गाइस वैसे तो मैं बहुत शेड हूँ, लेकिन दोस्तों आप सभी मेरे साथ रहना, आप सभी मुझे हैप्पी बर्थडे ब्लैक सिंचन बोलेंगे ना गाइस, तो प्लीज़ मेरे साथ रहना। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर ना लाइट्स लगा देता हूँ बढ़िया तरीके से, जिससे कि फ्रैंकलिन भैया का घर एकदम बढ़िया हो जाए और रात को मेरा बर्थडे अच्छी तरह से मनाया जाए। गाइस ये देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत खुदाई कर ली। अरे वाह, मैंने कितने बढ़िया बढ़िया लाइट लगा दी है यहाँ पर, अब तो मज़ा आ जाएगा। चलो अब उधर साइड जाते हैं और जल्दी से जाके और खतरनाक लाइट लगा देते हैं। यहाँ पर तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया पटाखे लगाऊंगा। चलो गाइस ये पटाखे फोल के देखते हैं, ये फूटेंगे या नहीं मेरे को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर लौकी की मांग लगा देता हूँ, एक मिनट दूर हट जाता हूँ। अरे वाह 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 गाइस, देखिए देखिए पटाखे यहाँ पे फूटने लगे, मेरे को तो पटाखे फोड़ने आते हैं, रात को अपने बर्थडे पे मजे से पार्टी करेंगे। गाइस यहाँ पर मेरे को और ज़्यादा पटाखे लगाने चाहिए, जिससे कि और खूबसूरती हो जाए। यहाँ पर लगा देता हूँ बढ़िया वाले पटाखे, ये लगाए, क्या बात है गाइस, कितने बढ़िया बढ़िया पटाखे हैं ना। चलो गाइस अब एक काम करते हैं, जल्दी से इनमें आग लगा देते हैं, जिससे कि बढ़िया तरीके से यहाँ पर, एक मिनट ये क्या, ओ नो ये तो ज़्यादा आग लगी, मेरे को जल्दी से इसको बुझाना पड़ेगा। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है गाइस, ओ नो, बचाओ गाइस, कोई प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो जल्दी। अरे गाइस आग को कैसे बुझाऊँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे फायर एक्सटिंग्यूशर चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? ये क्या हो गया गाइस, मेरे बर्थडे वाले दिन ये मैंने क्या कर दिया, अब तो फ्रैंकलिन भैया छिंचन पिंचन मुझे और गुस्सा हो जाएंगे। हद को सामने आग दिख रही है, क्या 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 क्या, क्या आग दिख रही है? अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, ये तो हमारे घर पर आग लगी है। क्या आग लगी है मेरे घर पर? ओ नो,
एक मिनट, तुम लोग पटाखे खुले तो नहीं छोड़ गए थे? कहीं कोई चोर वोर आकर घुस तो नहीं गया? कोई हमारे घर को तबाह तो नहीं करना चाह रहा है? जिसने भी आग लगाई मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उठीन की उसम हथौड़ा मारूंगा। ओ माय गॉड, ये क्या, यहाँ तो पूरे घर पर आग फैलती जा रही है। अरे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये किसकी, एक मिनट, ये तो ब्लैक सिंचन की आवाज है। फ्रैंकलिन, सिंचन पिंचन, इधर आओ। ए ब्लैक सिंचन, किधर है तू? जरूर ये ब्लैक सिंचन के काम है। ये हमारे सिंचन पिंचन से हमेशा से चलता आया है, इसलिए इसने हमारे हल को ही चला पाया। ए ब्लैक सिंचन। अरे ऐसी बात नहीं है, तू नहीं चल, मेरी बात सुनो प्लीज, इस आग को बुझा डालो प्लीज। कल मेरा बर्थडे है, मेरा मतलब आज रात को मेरा बर्थडे। क्या बर्थडे, कितना झूठा है तू। मेरी बात सुनो गाइस, ये इस घर को तबाह करने आता है। ऐसी बात नहीं है, मैं घर को क्यों तबाह करना चाहूंगा, आप सब तो मेरी फैमिली है। अरे तू झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है। नहीं गाइस, कमेंट में बताओ ना मैं सच बोल रहा हूँ, कमेंट में यस लिखो। गाइस कोई यस मत लिखो, ये झूठ बोल रहा है सरासर, मुझे पता है। ए बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा फ्रैंकलिन, पहले हमें आग को बुझाना पड़ेगा। गाइस कमेंट में यस लिखो और वीडियो लाइक करो मेरे लिए, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप कर बच्चे, तूने बहुत झूठ बोल रहा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये रहा फ्रैंकलिन, हमें पूरे घर की आग को बुझाना पड़ेगा। ये ब्लैक सिंचन तो सच में पनौती है हमारे लिए, ये घर में आया और तबाही शुरू। जबकि अभी हमने जस्ट सिंचन का बर्थडे मनाया है और देख आज ये उसके अगले दिन ही क्या हो रहा है। अरे बाप रे, टोनी स्टार्क की आग बुझ तो जाएगी। चिंता मत कर, टोनी स्टार्क किस काम आएगा। ये देख मैंने पूरी आग को छू मंतर कर दिया। अरे वाह टोनी, चल आप तो बहुत ही अच्छे हैं, शुक्रिया आपने आग को बुझा दिया। चल निकल यहाँ से ब्लैक सिंचन। अरे प्लीज मुझे मत मारो। निकल यहाँ से, तू नहीं आग लगाई है। नहीं मतलब आग मैंने लगाई है गलती से, लेकिन मेरा बर्थडे आज रात को है प्लीज, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था। कितना झूठ बोल रहा है, इसके मम्मी पापा इसके बर्थडे में आएंगे? झूठ बोलता है तू बिल्कुल। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे मम्मी पापा बुला मान जाएंगे। चुप कर, तेरे मम्मी पापा तुझसे नफरत करते होंगे जरूर, क्योंकि तू है ही इतना बुरा। अरे बाप रे, मैं काला हूँ इसलिए मुझसे सब इतनी नफरत क्यों करते हैं? गाइस क्या आप मुझसे नफरत करते हो मेरे कलर की वजह से? नहीं तो प्लीज नो लिखो ना, वरना आज मैं मर जाऊंगा, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरा बर्थडे भी नहीं मनाते ये लोग, ऊपर से मैंने गलती कर दी तो मुझे इतना पीटा। अब मैं कहाँ जाऊँ, काश काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते। मम्मी पापा आप मुझे अपने पास ही बुला लो, मेरे को नहीं रहना इनके साथ, मेरी फैमिली बहुत बुरी है, वो मुझ पर यकीन नहीं करती। अरे ये कौन रो रहा है, मैंने तो दूर से फ्रैंकलिन के घर पे आग लगी देखी, मुझे मजा आ गया। अरे बाप रे काला सिंचन, ओ तो जरूर ये अवेंजर्स लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, इसके केक में भी आग लगी है। है तो ये सिंचन का ही भाई, इसको धोखे से फंसा के अपने पास ले जाऊंगा, फिर इसको मार दूंगा। अरे बापले आप कौन है? ए बच्चे मैं हूँ ब्लैक फ्रैंकलिन। अरे बापले आप भी काले और मैं भी काला हूँ। ये अवेंजर्स लोग और फ्रैंकलिन लोग हैं ही ऐसे, ये काले लोगों को पसंद नहीं करते। तू मेरे साथ चल, मैं तेरा बर्थडे मनाऊंगा। सच में आप सच बोल रहे हैं क्या? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं तेरी बात पर यकीन करता हूँ बच्चे, चल। अब ये बच्चा तो गया, इसको कोई नहीं बचाएगा। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ नहीं बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे अपने दोस्तों से बुलाऊंगा। गाइस यार वैसे तो हमने उसको ब्लैक सिंचन को सजा दे दी, लेकिन वो कहाँ जाएगा? अरे जहाँ जाना है इसको जाने दो। हाँ वैसे भी बहुत बुरा है। यही बिल्कुल सही कहा, वो झूठ बोल रहे थे, उसके कोई बर्थडे बर्थडे नहीं आए थे, यही हमने कभी उसका बर्थडे नहीं मनाया। वाह भाई साहब, मुझे तो उस पर थोड़ा थोड़ा तरस आ रहा था यार, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, ये सामने तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या गाइस? तुमने बहुत गलत किया बच्चों। अरे मेरी बच्ची तूने इतना गलत क्यों किया? अरे बाप रे ये तो मम्मी पापा की आवाज है। मम्मी पापा आप कहाँ हैं? हम तुम्हारे सामने है सिंचन पिंचन बेटा, हम तुमसे बहुत गुस्सा है। क्या लेकिन आप हमसे गुस्सा क्यों है? अरे डॉक्टर स्ट्रेंज वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे, बस सुनाई दे रहे हैं। अरे बाप रे मेरे को भी वो लोग सिर्फ दिख रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं जादू मंत्र तंत्र हो। अरे तो यार हमें क्यों नहीं दिख रहे सिंचन के मम्मी पापा? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ऐसा जादू करूंगा जिससे कि सबको दिखे। अभी करता हूँ अब्राकडाब्रा दीदी मानो पड़ा है, नम 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 दिख जाओ। अरे बाप रे क्या सच में मम्मी पापा आप ही हो? मम्मी पापा थैंक यू सो मच आप हमारे पास आए, लेकिन आप हमसे गुस्सा क्यों प्लीज बताइए ना। अरे बाप रे सिंचन के मम्मी पापा मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। अरे हटिए डॉक्टर सिंह, हमें अपने मम्मी पापा से मिल लीजिए। बताइए ना प्लीज मम्मी पापा क्या हुआ? ब्लैक सिंचन तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन तुम कभी उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाते? हम उससे बहुत प्यार करते हैं, जितना तुमसे करते हैं इतना ही उससे करते हैं। आज रात को उसका बर्थडे है,
क्या सच में मेरे भाई का बर्थडे है क्या? हमें माफ कर दीजिए मम्मी पापा, हमें पता नहीं था कि असल में हमारी ब्लैक सेंचर की कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। बिल्कुल जाओ और अपने भाई को अपना लो। अरे मम्मी पापा अब कहाँ गए? अरे बाप रे वो शायद चले गए, अब क्या करें? ओह नो गाइस, हमने तो गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ब्लैक सेंचर सच में तुम्हारा भाई है। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोचता था कि मम्मी पापा उसको गोद लेकर आए। अरे ये तो बहुत गलत बात कर दी, ऊपर से आज रात को सच में उसका बर्थडे यार, हमने उसका दिल तोड़ दिया। हल्क हल्क तुमको कभी माफ नहीं करेगा, तुमने गलत किया उसके साथ। गाइस अभी क्या करें? फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है, तू और मैं चलते हैं ब्लैक सिंचन का ढूंढने, बाकी के अवेंजर्स यहाँ पर हमारे घर को बढ़िया से सजा दो, आज हम ब्लैक सिंचन का बर्थडे मनाएंगे, वो भी रात को 12 बजे के बाद। एक मिनट, वहां पर जला हुआ केक पड़ा है, शायद उस बेचारे ब्लैक सिंचन का ही होगा। गाइस यार मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, हमने ब्लैक सिंचन के साथ गलत किया, लेकिन वो है कहाँ पर? रुक जा फ्रैंकलिन, पहले मुझे ध्यान से देखने दे, वो केक तो पड़ा है यहाँ पर, लेकिन केक के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पर ब्लड पड़ा हो। क्या? नहीं यहाँ तो कोई ब्लड नहीं है। बात तो तूने सही कही यार, लेकिन ब्लैक सिंचन अपना केक क्यों फेंक कर गया यहाँ पर? दोस्तों अगर आपको पता है कि ब्लैक सिंचन कहाँ पर है तो प्लीज कमेंट में बताओ, हमें ब्लैक सिंचन को ढूंढना पड़ेगा, हमें उसका बर्थडे मनाना होगा, वो आज रात को 12 बजे के बाद 3 साल का हो जाएगा। बिल्कुल, एक मिनट में टोनी स्टार्क वो कार देख। ओह माय गॉड गाइस, इस कार पे तो गोलियां भी चली हैं और पूरी क्रैश्ड है, ऊपर से हमारे ब्लैक सिंचन का केक भी फटा पड़ा है। ओह नो, कहीं ब्लैक सिंचन को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं गाइस, मैं गलत सोच रहा हूँ, प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखना हमारे ब्लैक सिंचन को कि फसल वो कहाँ गया है। अरे यार स्टॉक मेरे को तो डर लग रहा है, एक मिनट, अरे तू सही कह था, देखा फ्रैंकलिन मुझे लगा था ब्लड ब्लड है यहाँ पर, देख गाइस यार ये क्या चल रहा है, कहीं ब्लैक सिंचन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, हमें ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, पहले यहाँ पर ब्लैक सिंचन का केक पड़ा है। अरे बाप रे अब तो जरूर ये ब्लैक सिंचन का ही ब्लड है, देख पहले केक उसके बाद ब्लड फिर सीधा कार पे गोलियां चली है, हमारे ब्लैक सिंचन को किसी ने मार तो नहीं दिया? क्या बात कर रहा है तो चुप रहे, एक मिनट सामने एम्बुलेंस। ओ नो ओ नो, ये क्या? प्लीज बरकुरदारो सामने से हट जाओ, यहाँ पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। नो नो नो, किसका एक्सीडेंट हुआ है? ओ शुक्र है गाइस, यहाँ पर किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, वैसे ही बहुत गलत हुआ, किसी बेचारे बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन शुक्र की बात यह है कि वो हमारा ब्लैक सिंचन नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर ब्लैक सिंचन यहाँ नहीं है तो ब्लैक सिंचन कहाँ है? हमें शहर में जाके जल्दी ढूंढना होगा। बिल्कुल गाइस, हम ब्लैक सिंचन को ढूंढेंगे और उससे माफी मांगेंगे सबके सब मिलकर। बिल्कुल, और हम उसका बर्थडे भी मनाएंगे। बिल्कुल सही कहा तूने, हल्क जाएगा और यहाँ पर अपने प्यारे ब्लैक सिंचन के लिए बढ़िया बढ़िया केक खरीदेगा। अरे हाँ, मैं भी अपने छोटे भाई ब्लैक सिंचन को प्यार करूंगा, कभी उसको मारूंगा नहीं पीटूंगा नहीं। यही मुझे भी उसको सॉरी बोला है। वाह भाई साहब यार, ब्लैक सिंचन कितना अच्छा बच्चा था यार, हमने उसको चोर समझ लिया भाई साहब। अरे बाप रे ये सामने क्या हो रहा है? अरे तुम उसको छोड़ो भाई साहब, जल्दी आगे बढ़ो, हमें बढ़िया तरीके से अपने ब्लैक सिंचन का बर्थडे मनाना है। टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन ब्लैक सिंचन को लेकर आते होंगे। बिल्कुल। हे अरे बाप रे, यहाँ पर ये खून खून क्या कर रहा है? अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे कि उसने किसी को डंडे से पीटा है और यहाँ पर खून गिर गया है। हे हल्क को यहाँ पर केक चाहिए। अरे अब मैं केक नहीं बेचता, मैं फल की दुकान पे आया हूँ। वैसे आज तुम्हें एक बार बताऊँ सिंचन बिंचन, अरे एक काला सा सिंचन आया था, बोल रहा था आज रात को उसका बर्थडे है, कितना झूठा था वो, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको पीट दिया, वैसे मुझे काले लोग नहीं पसंद ज्यादा। तूने तूने ब्लैक सिंचन को पीछा, हल्क तुझे जान से मार देगा, हल्क हल्क तुम लोगों से बहुत बुरी तरह से पीटेगा तुम्हें। अरे बाप रे, हल्क इसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदेगा। वाह भाई साहब, उसने ब्लैक सिंचन को पीटा, गलत किया। अरे बाप रे ये कैसा केक है? अरे वाह, ये तो 10 मंजिल वाला केक है। बिल्कुल, आ जाओ बच्चों, ले लो केक ले लो, एक मासूम सा बच्चा आया था ब्लैक सिंचन, उसको केक चाहिए था ये 10 मंजिल वाला, लेकिन गरीब था बेचारा, मैं भी गरीब ही था इसलिए मैंने उसको एक केक गिफ्ट में दे दिया। अरे बाप रे, वो हमारा ही बच्चा था, हल्क उसके लिए ये वाला केक खरीदेगा, अंकल जी को पैसे दे देगा और हल्क उसके लिए एक आरसी कार भी खरीदेगा। बिल्कुल, मैं अपने भाई सिंचन के लिए आरसी कार खरीदूंगा, मेरा छोटा भाई ब्लैक सिंचन, मैंने उसके साथ कितना गलत किया गाइस, मैं उससे प्यार से सॉरी बोलूंगा, हम साथ साथ में मिलके उसका बर्थडे मनाएंगे और उसको हैप्पी बर्थडे ब्लैक सिंचन विश करेंगे। हाँ अरे यार गाइस, ब्लैक सिंचन हमें कहीं मिला ही नहीं है गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको कोई किडनैप करके ले गया लिटरली में। गाइस आपको अगर खबर है किसी की तो प्लीज कमेंट में बता दो। बिल्कुल, एक मिनट मैं न्यूज़ पे देखता हूँ। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़, पता चला है ब्लैक फ्रैंकलिन की फैमिली में कोई ब्लैक सिंचन नाम का शख्स आया है, आज रात को उसका बर्थडे है इसलिए वो लोग वहाँ पर पार्टी बना रहे हैं। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये तूने सुना क्या? ब्लैक फ्रैंकलिन हमारे ब्लैक सिंचन को ले गया? ओह नो गाइस, ब्लैक फ्रैंकलिन तो बिल्कुल ही ज्यादा इविल है, वो हमारे ब्लैक सिंचन को जान से मार देगा, वो जरूर उसको धोखे में लेकर गया है। गाइस अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो कमेंट में यस लिखना। फ्रैंकलिन भाई जल्दी चल, हमें ब्लैक सिंचन को बचाना पड़ेगा उस ब्लैक फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी से। बिल्कुल गाइस, हम ब्लैक सिंचन को पूरी तरह से बचा लेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है? हैप्पी बर्थडे भाई ब्लैक सिंचन, हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे तो लोना आ रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच। ओए हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी
हैप्पी बर्थडे, तू जिए हजारों साल ही, आज तू मरेगा ब्लैक शिनचैन। मरेगा? इसको तो मैं ही खाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं गाइस इस मासूम बच्चे के लिए। एक मिनट, इन्होंने इतने सारे केक रखे हैं। ए, उस स्विस ब्लैक शिनचैन को छोड़ दो, ब्लैक शिनचैन तो इनके साथ मत रहे वरना तू भी विल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं लाऊंगा। तुम लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करते, समझे, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चुपचाप हमारे साथ चल ब्लैक शिनचैन, ये लोग बहुत बुरे हैं, मेरी बात मान, ये तुझे जान से मार देंगे। बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से, ईविल तो तुम हो, तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन तुम यहाँ पर इसको मार दोगे। निकल जाओ यहाँ से, हाँ ब्लैक शिनचैन हमारे साथ रहेगा। अरे फ्रैंकलिन क्या करे, ब्लैक शिनचैन का तो भरोसा ही उठ गया हम पर से। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये क्या फ्रैंकलिन देख, यहाँ पर ब्लैक शिनचैन की डेस्क पर बॉम्ब लगे। ओह नो, वो हमारे ब्लैक शिनचैन को मार देंगे। ब्लैक शिनचैन प्लीज बच्चे वहां से हट जा। मार दिया बच्चा, मर गया। नहीं, ये क्या कर दिया? नो गाइस, ये क्या कर दिया तूने? ये ले ब्लैक रिवेंजर, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, मैंने तो तुम्हारा काम आसान किया है, तुम तो वैसे भी काले लोगों को पसंद नहीं करते हो। बिल्कुल, अब क्यों मार रहा है स्टार्क मुझे? क्योंकि वो हमारा फैमिली मेंबर है। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, शिनचैन ठीक तो है ना? अरे बाप रे स्टार्क, अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, शिनचैन ठीक है, बस वो बेहोश है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, अगर हम शिनचैन को ये बता देंगे कि हमें उसके बर्थडे के बारे में यकीन हो गया है, उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी, तो फिर हम क्या करें? अभी तू उसको बेहोश ही रहने दे, बस उसको आराम से घर की तरफ लेकर जा। जैसी रात हो जाएगी वो बेहोशी से उठेगा, हम सब मिलकर उसको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे, ब्लैक शिनचैन बोलेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं जा रहा हूँ, जाके बंदोबस्त करता हूँ, तू जल्दी वापस आ। ओके गाइस, मैं अपने ब्लैक शिनचैन को लेकर जा रहा हूँ। मेरे भाई ब्लैक शिनचैन, तू चिंता मत कर, हम साथ में तेरा बर्थडे मनाएंगे। गाइस जल्दी लेकर चलते हैं हम बढ़िया तरीके से। ये देखिए, अपने घर को सजा चुके हैं हल्क। हल्क यहाँ पर ब्लैक शिनचैन का बर्थडे मनाएगा। बिल्कुल सही कहा, मेरा भाई आज 3 साल का हो जाएगा। गाइस ब्लैक शिनचैन उठेगा। अरे बापले, मला को जान से मार दिया उन्होंने। हाँ, मैं जान से नहीं मला। अरे बापले, ये क्या गाइस, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई ब्लैक शिनचैन, हैप्पी बर्थडे। क्या गाइस, तुमको मेरा बर्थडे पे यकीन हो गया? अरे वाह, अरे शुक्रिया सो मच। बिल्कुल, तेरे मम्मी पापा ने हमें बताया था। क्या ये मेरी कार है? बिल्कुल मेरे भाई, ये तेरी कार है। बिल्कुल, ले ले बच्चे, और ये 10 मंजिला केक भी तेरा ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्लैक शिनचैन। गाइस कमेंट में जल्दी से हैप्पी बर्थडे ब्लैक शिनचैन लिखो। मेरे बच्चे जीता रहे, मम्मी पापा आप भी मेरे बर्थडे पे आ गए। बिल्कुल मेरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे, जीता रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच गाइस मुझे हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत खुश हूँ आज मैं।